संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 सीजन में धूम मचा दी है। इस टीम ने सोमवार 1 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में धांसू अंदाज में जीत दर्ज की। राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को उसके घर में 6 विकेट से करारी शिकस्त दिया। इस सीजन में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार है, जबकि राजस्थान टीम जीत की हैट्रिक लगाकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। इस सीजन में मुंबई एक भी मैच नहीं जीती है, जबकि राजस्थान कोई मैच नहीं हारी। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम ने 126 रनों का छोटा टारगेट सेट किया था, जिसे राजस्थान ने 4 विकेट गंवाकर 15.3 ओवरों में ही हासिल कर लिया। टीम के लिए रियान पराग ने सबसे ज्यादा 39 गेंदों पर नाबाद 54 रनों की पारी खेली, जबकि मुंबई के लिए आकाश मधवाल ने 3 और कोयना मफाका ने 1 विकेट लिया। अगर राजस्थान के लिए इस मुकाबले में असली हीरो तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल रहे हैं। दोनों ने 3-3 विकेट लेकर मुंबई की टीम को 125 रनों पर रोक दिया था। मैच में मुंबई की शुरुआत बेहद खराब रही थी, टीम ने 20 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसमें तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 3 और नादरे बर्गर ने 1 विकेट लिया। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने 34 और तिलक वर्मा ने 32 रन बनाकर पारी को संभाला। आखिर में टीम डेविड ने 17 रन बनाकर मुंबई को 9 विकेट पर 125 रनों तक पहुंचाया। ट्रेंट बोल्ट के बाद चहल ने कमान संभाली और 3 विकेट लेकर मुंबई के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। नादरे बर्गर ने 2 और आवेश खान ने 1 विकेट लिया।